Oh, भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, डर लगता है यार। तो यार मैंने आपको कल बता ही दिया था कि कल हम मूवी देखने गए थे ना स्पाइडरमैन, तो व्लॉग फिर बन ही नहीं पाया। फिर व्लॉग अभी सीधा अभी यहीं पे अभी स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत खाना पीना किया था हमने, उसके बाद फिर व्लॉग बन ही नहीं पाया। तो अभी हम कौन सी मार्केट में थे? ज्वाला एडी मार्केट में हमने ऑमलेट खाए थे, अभी चीज़ ऑमलेट, वहाँ अंकल बहुत फेमस है। लेकिन वहाँ कैमरा निकालना वहाँ पे भी भूल गया, क्योंकि चीज़ ऑमलेट देख के मुँह में पानी इतना आ गया कि कैमरा निकालना भूल गए। नहीं, रोड पे जा रहा है, सामने जाएगा विजन। ये बहुत वाइड है, वो सारा सब कुछ स्कूटी भी नज़र आ रही है, ये भी रोड भी नज़र आ रही है। मेरे को तो ये टेंशन है, पता नहीं घर पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी है ना मेरे पे, पता नहीं ज़्यादा ज़्यादा 10-12 होगा वैसे। हाँ हाँ, एक तो बैटरी चार्ज हो ही जाएगी, और चार्जर तो एक ही है, वो चार्जर दो हैं लेकिन बैटरी एक ही निकल पाती है इसके अंदर। एक निकलती है, एक बैटरी पीछे है लेकिन वो निकल नहीं सकती, परमानेंट अंदर है। हाँ वो, और एक बैटरी आगे डिग्गी में है। हाँ उसको, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ तो भाई अभी रजौरी मार्केट के अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पे अपने भाई को मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन भाई बोल रहा है मेरा कि यहाँ पे बहुत फेमस शॉप है मोमोज की बहुत फेमस शॉप है। तो घंटा घर के पास है क्या? तो घंटा घर के पास है यहाँ मोमोज की शॉप, तो वहाँ पे मोमोज खा के देखेंगे। भाई ने तो खा रखे, वो मेरे को ट्रेस कराएगा आज की कैसे मोमोज है कैसे नहीं है। फिर भाई के साथ प्रोग्राम बन रहा है संडे का, मैं ऑन वीडियो में बोल रहा हूँ अब तो ये कंफर्म है अब तो। तो संडे को मैं लेकर जाऊँगा, नहीं गोली नहीं दूंगा अब। नहीं नहीं, सीन नहीं कटेगा नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट संडे का प्रोग्राम है कि भाई को मैं मोमोज खिलाऊंगा एक जगह के, नवादा पे है वो जगह, तो ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी हम मोमोज वाले के पास पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे क्या मोमोज हैं। तो मेरा भाई मेरे को बता रहा है कि यहाँ भी ब्लॉग में ऐसे ऐसे बोलो, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं तो बातें हो रही है, तो इस चक्कर में ब्लॉग पे भी कम ध्यान दिया जा रहा है, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है। भाई साहब ये मस्त दुकानें हैं यार, मज़ेदार दुकानें हैं ये पूरा, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को मंगल बाज़ार, उत्तम नगर का मंगल बाज़ार लग रहा है ये पूरा, आरएसमा रोड। लीजिए, कौन से फेमस मोमोज है लो? फ्राई ले लेते हैं। हाँ फ्राई ले लें, कौन कौन से? कुरकुरे में ले लेते हैं भैया, कुरकुरे बनाए थे भैया, कुरकुरे मोमोज है क्या? कुरकुरे मोमोज नहीं है तो पनीर मोमोज ले लेते हैं फ्राई। हाँ पनीर वाले फ्राई ले लेते हैं। हाँ पनीर वाले फ्राई ले लेते, या फिर वेज वाले लेंगे? पनीर वाले वेज से मेरे से खाए नहीं जाते, वेज से उसी के खाए जाते हैं जो अभी मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, नवादा लेकर चलूँगा उसके खाता हूँ मैं वेज। आप लोग बोल लो, हाफ ले, हाफ ये ले ले, हाफ फ्रेंच फ्राई ले ले। कौन सी दुकान पे? हाँ बाउजी मोमोज जो आए थे। भाई स्ट्रीट फूड का तो मैं कहता रहा हूँ, जो बाहर दुकान, देख मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दुकान जो आउटलेट खोल के बैठे वो अच्छा स्वाद नहीं देते, लेकिन अगर किसी को कम बजट में खाना है ना खाना, तो स्ट्रीट फूड का भी खाना बेस्ट है, ये चीज़ है। अभी आज देख लेना,
आज मेरे को भूख सी लग रही थी, मैं सुबह तिलक नगर का फ्लाईओवर उतरा मैं सुभाष नगर जाने के लिए, अगर हम उत्तर नगर से आ रहे हैं तो वहाँ पे एक नान वाला बंदा है। अच्छा। मैं काम निपटा दिया थोड़ा सा ऑफिस से, फिर सीधा वहाँ आया था दोपहर में। अच्छा। खाने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को उसका हाथ का स्वाद अच्छा लगता है और सस्ते में भाई नान वान सब्जी पनीर सब मिल रहा है तुम्हें। वही तुम अगर किसी का आउटलेट में जाके बैठोगे तुम्हें 150-200 रुपये से कम नहीं मिलेगा, वहाँ 50-60 में काम निपट गया तुम्हारा। ठीक है जी, खा के बताओ कैसे। खाओ खाओ। तो ये मोमोज ट्राई करके देखते हैं म्यूनिस के साथ। बहुत गर्म है, एकदम गर्म गर्म स्वाद मुंह में चला गया। तू वहीं के खाइयो जहाँ के मैं बता रहा हूँ, सब भूल जाएगा तू। तो अभी हम फिलहाल मोमोज खाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में, या फिर सीधा हो सकता है मैं सीधा घर पे मिलूं, एंडिंग वहीं करूँगा मैं। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने भाई के घर से और खाना वाना खा लिया, भैया भाभी से भी मिल लिए, बहुत टाइम बाद गया हूँ उनके घर पे और बहुत ज़्यादा पेट टाइट हो चुका है मेरा, और इस वक्त इसकी बैटरी भी बहुत लो हो चुकी है। मुझे पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं घर तक वीडियो बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। 9:30 बज रहे हैं रात के, बस यही है कि जल्दी से घर पहुंचना है यार, इतनी ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। भैया तिलक नगर में पड़ता है, तिलक नगर, ये गोल्डन साइकिल। हाँ जी, गोल्डन साइकिल वाले। हाँ गोल्डन साइकिल वही वाले। हाँ जी हाँ जी। कितने की? 55 की पड़ी है। 55 की, 55 की पड़ी है। हाँ जी हाँ जी। अब मेरे को वो लेनी है NYX, कितने दिन में मिल गई आपको वो? 3 महीने की वेटिंग है अभी। हाँ हेलो, ला रहा हूँ, रस्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। कितनी भाग जाती है भैया ये? 55-60 के बीच में भाग जाती है। 60 तो जल्दी जाती है, एक सेंसर की तार हटा के और पैसे। हाँ वही चीज, वही चीज, सेंसर वाली तार हटा रखी है हमने, वरना ये डिलीवरी कर रहे हो? नहीं नहीं, फूड डिलीवरी थोड़ी, फूड डिलीवरी वाले सब हटा देते हैं। नहीं नहीं, ये क्या है कि अब हमें तो स्पीड चाहिए थोड़ी बहुत, हम 45 थोड़ी कम पड़ती है। ये तो ये प्रिंटिंग का काम है हमारा। हाँ वो मेरे को NYX लेनी है, उसकी कितनी वेटिंग चल रही है भैया? NYX का तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि हर स्कूटी की 3 महीने की इनकी वेटिंग है, हीरो वालों की। ये वो है, ये यानी सही है बंदा? बंदा तो देखो सही, मैं सही बताऊं तो बंदा थोड़ा आपको स्कूटी दे देगा, उसके बाद उसको सिरदर्दी नहीं पालनी किसी भी चीज़ की। बंदा ऐसा है, वो सिरदर्दी पालने वाला बंदा नहीं है, उन्होंने चीज़ बेच दी, तुम जानो तुम्हारी कंपनी जाने, वो बंदा ऐसा है। अब मेरे को ये बताओ इससे लेने में फ़ायदा है या कहीं और? भैया वैसे देखो डीलर बहुत कम है हमारे को, तो पास यही पड़ा, और दूसरा मेरे को पता भी नहीं कहाँ पे है शोरूम इसका। तिलक नगर में पता था तो तिलक नगर से उठवा ली। नजफगढ़ में शोरूम है, नजफगढ़ में। NYX की डिटेल लेने जा रहा हूँ कि कितने दिन की बुकिंग है। अच्छा अच्छा, समझे ना, ये तो बोल रहा 6 महीने की है। तो यहीं उत्तम नगर में रहता हूँ अंदर की ओर। कितने किलोमीटर चला लेते ये भैया? एक हमारा पूरा घूमना हो जाता है, पूरा 100 किलोमीटर तो घूम ही लेते हैं हम इससे, क्योंकि फील्ड का काम ज़्यादा है हमारा, इसलिए कैमरा भी ले रखा है तुमने। हाँ इसलिए, हाँ ये यूट्यूब चैनल है ना मेरा भैया, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो अगर करना चाहो तो। DaMKVlogs के नाम से, DaMKVlogs। थोड़ी पीछे करो इसका ना, एक पन्ना है ऑप्टिमा में। अच्छा ऑप्टिमा में ये पंगा है, इसकी जो प्लास्टिक है ना कमज़ोर है ये? नहीं नहीं कमज़ोर,
ये उस मटेरियल से बनाई गई है, इसमें नायलॉन कम है। हाँ जी हाँ जी। नायलॉन क्या होता है यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा। सीधा चटक जाती है। हाँ, ये इसका एक लॉक टूट गया था। मैं जो बता रहा हूँ ना। हाँ। मैं बहुत गहरी लेवल पे बता रहा हूँ यानी मैकेनिकल में। हाँ हाँ हाँ। जो प्लास्टिक जब बनती है ना मोल्डिंग से मशीन से, उसमें थोड़ा सा नायलॉन डाला जाता है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए। अच्छा। टूटे नहीं। इन्होंने वो चीज कम डाल रखी है, वो क्वालिटी को यानी थर्ड क्लास कर रखा है। हाँ। थोड़ा कॉस्ट बढ़ा लेता। देखो मैं सोच रहा हूँ यार भाई वो NYX ले लूँ, थोड़ी महंगी है पर हमें चलानी भी तो रफ होती है ना। नहीं वो तो भैया सही बात है, जिसको जैसी जरूरत है वो बंदा उस हिसाब से ले लेगा। रफ चलानी है फिर माल लोडिंग करना है। हाँ। आज स्विगी में कर रहा हूँ ना करूँ। सही बात है। ये वाला चैनल भैया अभी इसका रिव्यू बनाया नहीं है मैंने, इसका रिव्यू भी बना के इसी में डालूंगा, पूरा बताऊंगा इसका। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। बस वो तो भैया देखो ये बात आपने बहुत सही कही है, वक्त कुछ टाइम के लिए ख़राब है लेकिन जरूरी थोड़ी है सारे टाइम के लिए ख़राब होता है। सारे टाइम नहीं, मैं स्विगी में आया हूँ, मैं रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ। मैं रेस्टोरेंट की लाइन में आऊँगा, जैसे हम लोग भी मोटे हैं। नहीं सही बात है। ऑलिव ऑयल का फूड बेचूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सही भैया, सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो सबसे बढ़िया चीज़ वही है, समझे। फूड के अंदर क्वालिटी और टेस्ट मैटर करता है बस। ऑलिव ऑयल तो कॉस्टली तो है। हाँ। लेकिन कस्टमर हम लोग देखो भैया कॉस्टली तो बहुत सारे ब्रांड है, बहुत और बिक भी रहे हैं। बस ये तो चीज़ सही है। हाँ चलो मैं भैया ठीक है ओके भैया आ गया। बस सारे जो वो भाई करते थे तो एक भैया हमारे को मिल गए थे, तो शुक्र है कैमरा काम कर रहा है, कैमरे की बैटरी काम कर रही है। तो एक भैया हमको मिल गए थे, उनको बैटरी वाली चाहिए थी। तो जो भी एक्सपीरियंस अभी तक 2 महीने का रहा है हमारा, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया वैसे तो, 2-3 महीना कुछ ऐसी हो गया है। बाकी जितना भी एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मुझे, मैंने उनको बता दिया कि ये था। और बाकी भाई की अपनी अपनी सबकी ज़रूरत होती है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, रात को मैं लेट हो गया था घर आने में और इसका मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, तो इस चक्कर में मैं शूट भी नहीं कर पाया कुछ भी। और जैसा कि लास्ट मतलब ये था कि एंडिंग मैंने करी दी थी बीच में, मेरे को लगा कि हाँ भी हो सकता है कि बंद हो जाए बीच में, लेकिन बंद नहीं हुआ। और स्विगी वाले भैया मिले तो कल स्विगी वाले भैया मिले मेरे को रस्ते में, तो उन्होंने बताया कि हाँ भी क्या हो रहा है क्या लाइफ में, मतलब एक तो मेन तो उन्होंने स्कूटी के लिए रुकवाया था मेरे को, स्कूटी अच्छी लगी और हर बंदा पूछता है स्कूटी के लिए। और अभी एक चीज़ दिक्कत और हो गई है कि मेरा जो माउंट है, जो मेरा माउंट है ये माउंट देखो टूट गया है पूरा का पूरा, ये यहाँ से टूट गया है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि मैं मोटो व्लॉग भी नहीं बना पाऊँगा 2-3 दिन, और इसको आने में कितने दिन लगते हैं वो भी अभी नहीं पता क्योंकि मैंने अभी ऑर्डर भी नहीं किया। और आने में कितना टाइम लगेगा, मे बी 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे आने में। एजुकेशन होने के बावजूद भी यार लोगों के पास अभी भी एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत मतलब एम्प्लॉयमेंट है, मतलब बहुत से लोग देखो कर भी रहे हैं, ऐसी वो बात नहीं है, जो करने वाले बंदे कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ तो सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मतलब एक जगह जैसे होता है कि देखो एक तो बंदे होते हैं बहुत से कि पैसा होता है तो पैसा लगाते हैं तो बिजनेस चल पड़ता है, वो कहीं 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 डूब भी जाते हैं लेकिन उनके पास इतना बैकअप होता है कि वो संभाल लेते हैं अपने आप को। लेकिन बहुत से लोग अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि बस टाइम ख़राब चल रहा थोड़ा, तो फिर मैंने भी उनको समझाया कि भैया देखो टाइम हमेशा ख़राब नहीं रहता, ख़राब अगर टाइम आया आपकी ज़िंदगी में तो अच्छा टाइम आने के लिए ख़राब टाइम आया, कि ख़राब टाइम कम से कम निकल जाएगा और अच्छा टाइम जब आएगा तब आपको खुशी मिलेगी, फिर वही दिन आपको याद आएंगे कि पहले ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। और उन
मैं तो कहूँ कि यार जो उनका सपना है कि रेस्टोरेंट खोलना है और रेस्टोरेंट लाइन में वो एक्सपीरियंस ले रहे, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि अच्छे से वो जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए उनका काम। और भाई जो भी अगर आपको लगे ना कि किसी बंदे की किसी भी तरीके से अगर हेल्प हो सकती है तो आप उस बंदे की हेल्प करो। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि मैं कैमरा के आगे नहीं दिखाता और रास्ते में किसी भी की भी मैं अगर किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ ना मैं करता हूँ, लेकिन वो मैं कैमरा के आगे अभी तक नहीं दिखाता। कि कैमरा के आगे दिखाऊंगा तो बहुत से लोग समझते हैं कि यार कि ये कैमरा में दिखा रहा है तो शो ऑफ कर रहा है, मतलब लोग ये चीज़ सोचते हैं, तो इस वजह से मैं कैमरे में भी नहीं दिखाता। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि कैमरे में दिखा रहा हूँ, अगर मैं कभी आगे अगर आने वाली वीडियोज़ में अगर मान लीजिए कि कैमरा में दिखा भी रहा हूँ तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई वो बड़ी चीज़ मत समझना उस चीज़ को कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देखो जो दिल से आपके हो सकता है, जो आप कर सकते हो, चाहे 10 रुपये से भी आप किसी का भला कर सकते हो तो 10 रुपये भी खर्च करके बहुत मतलब बहुत उस सामने वाले बंदे का बहुत हेल्प हो सकती है। अगर 10 रुपये से भी उसकी हेल्प होनी है तो वो 10 रुपये से भी हेल्प हो जाती है। कोई बड़ी वाली चीज़ नहीं है कि तुम करोगे तो बहुत बड़ा करोगे या बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता। जो दिल से आप कर सकते हो उतनी करो और भाई सबकी हेल्प करो, क्योंकि इस वक्त कोरोना का इतना टाइम चल रहा है अभी और न्यू वायरस अभी आने की बात हो रही है कि एक और वायरस चल रहा है ओमिक्रॉन करके कुछ पता नहीं जो भी है। लाइफ में इस वक्त ज़िंदगी में सर्वाइव करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जो देखो जिन पे पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। जो मिडिल क्लास है, मिडिल से भी नीचे है ना, बहुत ज़्यादा मतलब आज की डेट ऐसी हो चुकी है कि पैसा ही सब कुछ है भाई साहब। पैसा ही भगवान बना के रखा है लोगों ने, पैसे को ही। बहुत से लोग मदद के लिए भी नहीं सोचते, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं क्यों इसके पछड़े में पड़ूं अगर कोई किसी की मदद भी करे। कुछ लोग तो डरते हैं मदद करने से भी कि हाँ भाई यार कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि लोगों ने यार एक दूसरे की थिंकिंग ख़राब कर रखी है कि मैं मदद करने जाऊँ मेरे साथ ही कुछ उल्टा ना हो जाए। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई किसी भी तरीके से अगर हेल्प करना चाहते हो तो किसी की भी हेल्प करो आप, चाहे जैसे मर्जी करो, लेकिन हेल्प करके जो आपको अच्छा लगता है ना, वो जो अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिविटी जो मिलती है आपको, वो कहीं नहीं मिल सकती। और एक चीज़ हो कि अगर आप हेल्प भी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं आप किसी को बताओ कि ये किया वो किया, किसी को मत बताओ। और अगर मैं भी किसी की हेल्प कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ कैमरे में अभी तक इसलिए दिखाता कि लोग सोचेंगे कि जैसे लोग सोचते, किसी की भी थिंकिंग पे हम जोर नहीं दे सकते कि कोई क्या सोच रहा है, लेकिन कभी हुआ तो मैं भी दिखाऊंगा कैमरे में कि मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से मदद करता हूँ। लेकिन उस चीज़ का बस आप पॉजिटिव लेना उस चीज़ को भी, नेगेटिव में मत लेना। तो बाकी यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, कि कोई भी सिचुएशन हो खुश रहने की कोशिश करो। कोई भी सिचुएशन जो भी आप फेस कर रहे हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उन सबको हंसी खुशी निकालने की कोशिश करो और खुश रहो बस यार, यही कहना चाहूँगा। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि व्लॉग एंडिंग इसलिए मतलब घर से अभी निकलने वाला हूँ मैं, यहीं एंड इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि मैं बाहर मोटो व्लॉग नहीं बना पाऊँगा मैं बाहर। तो देखो खैर मेरी ज़िंदगी में भी कम स्ट्रगल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं भी। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है घर वालों के सामने या पेरेंट्स के सामने भी फेस करनी पड़ती है कि बस क्या मैं बता नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि मैं नहीं बता सकता आपको, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि हर बात बंदा नहीं बता सकता, लेकिन उस सिचुएशन को खुश रहकर निकालने की कोशिश करो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, पॉजिटिव रहो और खुश रहो, बस खुश रहो बस।